यही वर्ड यूज हो रहा है पैरा प्रोफेशनल्स। पैरा प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल्स नहीं होते, लेकिन उनके साथ काम करते हैं। आपका स्पोर्ट्स स्टाफ हो सकता है, पैरामेडिक स्टाफ हो सकता है, या इंटर्नीज हो सकते हैं। ये सारे पैरा प्रोफेशनल्स, क्योंकि इंटर्नीज अभी प्रोफेशनलिज्म में आएंगे ना, तो पैरा प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। पैरा प्रोफेशनल्स कैन गो वेयर सब्सटेंस यूज इज इनकरेज्ड सच एज डांस क्लास, है ना। अगर हमें अगर प्रोफेशनल है, हम स्टाफ को भेज देते हैं कि आप ज्यादा जाके बात कर सकते हैं, एंड स्टाफ भी लर्न, ठीक है, उनको पता हो। जो रियल एजुकेटर्स कैन बी द प्लेसेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द पीपल हु यूज सब्सटेंसेस, जैसे हम पुल के नीचे उसकी बात हो रही थी। मेडिकल स्टाफ कैन प्रोवाइड ब्रीफ इंटरवेंशंस, अगर नर्सेस या पैरामेडिक स्टाफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर उनको भी ड्रग एडिक्शन के बारे में पता हो तो वो भी ब्रीफ इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई क्लाइंट आता है और वो नशा करता है, और वो उसको बता सकते हैं कि नशे के असरात क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उनको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो एक बार देखते हैं स्क्रीनिंग की पर्पस क्या है। इट आइडेंटिफाइज ओनली वेदर इट्स अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड वेदर फर्दर असेसमेंट इज नीडेड। असेसमेंट में ना या तो ड्रग आएगी या नहीं आएगी। जैसे इवन अभी हम एक क्लाइंट को जब ब्रेक के दौरान डील कर रहे थे, तो क्लाइंट खुद मेडिकल डॉक्टर है, और किम्स इंजेक्शन उनको डिपेंडेंसी है उसकी। हाँ, तो वो टांगियाँ भी खराब हुई हुई हैं बिल्कुल, वो गोश्त हट गया हुआ है और हड्डियाँ नजर आ रही हैं, और इस तरह स्ट्रॉन्ग के लिए डिपेंडेंसी की ये